हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जी स्टडी। गाइस, यहां पे आपको मैं एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं और वो इन्फॉर्मेशन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, साथ ही साथ जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको कि डे बाई डे जो भी इवेंट्स होते हैं वहां पर आपको PDF और हमारे यूट्यूब के क्लासेस के सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, अपकमिंग कोर्सेस के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हैं, जानते हैं कि क्या है ये क्यू मास्को डायलॉग ऑन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। एक्चुअली यहां पे देखोगे न्यूक्लियर सेफ्टी के रिगार्डिंग रसिया और मास्क, अगर हम बात करें यूक्रेन में, दोनों के बीच में अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके बीचों बीच ये बात निकल करके सामने आ रही है कि रूस और यूक्रेन जो है आपस में न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर के, अगर हम बात करें तो परमाणु सुरक्षा को लेकर के ना, अगर देखा जाए तो यहां पे बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। गाइस, एट प्रेजेंट जिस तरीके का यूक्रेन और रशिया के बीच में सिचुएशन बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वार को ही आमंत्रित कर सकती है, क्योंकि यहां पर यूक्रेन को बैक में हर कोई अपने आप, अगर हम बात करें तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए नाटो, यूएसए वगैरह सब लोग हैं, बट अभी तक कहीं से कोई उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला है, यानी यूक्रेन वालों को सपोर्ट नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहां पे अगर हम बात करें तो अभी 10 मार्च को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो एसोसिएशन है उसके डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि हाई लेवल की मीटिंग कराई जाएगी, दोनों के बीच में बातचीत करवाई जाएगी रूस और यूक्रेन के बीच, जिससे कि वहां पे हुए जो अभी रिसेंट में जो न्यूक्लियर प्लांट में एक दुर्घटना घटी थी, उन सारी चीजों को रोका जा सके, साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन के बीच के टेंशन को कम करने की बात कही गई थी। दूसरी चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है कि ये जो डायलॉग है वो क्यों हम करेंगे, यानी कि रशिया और यूक्रेन को क्यों करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो डायलॉग है दोनों के बीच वार्ता की बात हो रही है, ये वार्ता होगी आपको टर्की में, और टर्की जो है ये भी आपका यूरोपियन कंट्री है, और यहां पे इन लोगों के बीच में बातचीत का मेन पर्पस लाने का जो मेन वजह है वो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के, उन्होंने ही कहा है कि दोनों के बीच में जो चले आ रही जो उलझने हैं, दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, टकराव है, उसको खत्म करना चाहिए और दोनों आपसी विवाद में दूसरों को, यानी कि अदर कंट्रीज को शामिल ना करें, साथ ही साथ बैठ करके बातचीत कर ली जाए। अभी अगर हम यूक्रेन के न्यूक्लियर स्टेटस के बारे में आपसे बात करें तो एट प्रेजेंट यूक्रेन में अगर हम बात करें तो यहां पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको दिख रहे हैं यूक्रेन के, ये सब ऑपरेशनल है, यहां पे रिएक्टर्स जो है ऑपरेटिंग में है, ऑपरेशन में है, और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन के टेंशन की वजह से कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट पे रशिया का कैप्चर हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ठीक एक दिन पहले, यानी कि 10 मार्च से पहले, जो IAEA है यानी एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का जो इंटरनेशनल जो संस्था है, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से चेर्नोबिल दुर्घटना हुई थी, अगर आपको याद होगा हमने बताया था आपको कि चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी, तो उसी तरीके से यहां पे जो सारी चीजें आ रही है सामने रूस और यूक्रेन को लेकर के, उन सबके कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, उन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जितनी भी तरीके का इलेक्ट्रिक ग्रिड में या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सब के लिए न्यूक्लियर फ्यूल के कूलिंग सिस्टम को यूज करना चाहिए, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर को यहां पे कूलिंग सिस्टम के रूप में यूज करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो भी सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है उसमें क्रिटिकल इंपैक्ट जो आ रहा है उसके आधार पर रशिया और यूक्रेन को इन दोनों चीजों पर विचार करनी चाहिए। अगर हम यूक्रेन के बारे में बात करें तो एट प्रेजेंट बहुत ही साहस के साथ यूक्रेन रशिया के सामने खड़ा है, एक बड़े राष्ट्र के सामने एक छोटे से राष्ट्र का खड़ा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के बारे में आपसे बात करें तो ये आपका एक तरीके से यूएन क्या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी ऑटोनॉमस एक संस्था है, और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, और इन लोगों में अगर देखोगे आप तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहीं ना कहीं इसके साथ कोलैबोरेशन होता है, और यहां पे यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली होती है, महासभा होती है, उस महासभा के साथ इसका रेगुलेटरी जारी हो जाए। ध्यान रखना गाइज, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दो जगह, एक आपका ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं पे आपका IAEA का हेडक्वार्टर है। तो ये जो आपके लिए सबसे पहले आप अगर बात करेंगे तो IAEA की स्थापना क्यों हुई थी, तो ध्यान रखिएगा IAEA की स्थापना पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो समस्त विश्व में शांति स्थापना के लिए हुई थी। एक समय ऐसा आ गया था कि शीत युद्ध के बाद रशिया और यूएसए के सिचुएशन ऐसे हो चुके थे यूएसएसआर के विघटन के बाद, कि जहां पे यूरोप में भारी मात्रा में परमाणु हथियार हो गए थे, और उसी समय में
उसी समय में यूरोपियन कंट्री ने यह डिसाइड किया कि हम यूरोप से परमाणु हथियार को कम से कम करेंगे, यानी कि परमाणु जो आपका आर्म्स है इन सारी चीजों को, न्यूक्लियर आर्म्स जितने भी हैं उन सबको हम रिड्यूस करेंगे और यूरोप में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। तो एक्चुअली यूरोप में शांति व्यवस्था कायम करने की बात शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व के शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए इसका रूप दे दिया गया। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन का काम है शांति व्यवस्था और पूरे विश्व की संरचनात्मक घटनाओं के बारे में देखना, यानी कि जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कहां पे डेवलपमेंट की बात की जाए, इन सारी चीजों को देखते हुए आपका आईएईए का गठन किया गया था। तो ये था आपका कीव और मास्को, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच का बातचीत का ये आपका इंफॉर्मेशन, जिसमें यूएन ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। यूएन का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ने रोल प्ले किया है कि जिससे कि यूक्रेन में हो रहे अभी के हाल फिलहाल की घटनाओं में कमी लाई जा सके, दोनों बातचीत के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।